चलिए अब चलते हैं दिल्ली, जहां हमारी संवाददाता प्रीत कर ने बात की राजस्थान के भाजपा प्रमुख प्रकाश जावड़ेकर से। प्रदेश में 25 जीरो का ट्रेंड चल रहा है और 25 की 25 सीटों पर बीजेपी आ गई है। बात करने के लिए मेरे साथ प्रभारी मौजूद हैं यहाँ पर, प्रकाश जावड़ेकर, उनसे बात करेंगे। तो जैसा कि अनुमान ये लगाया जा रहा था कि बीजेपी बढ़त लेगी और देश भर में बीजेपी आगे है, कांग्रेस पस्त हो चुकी है, उन्हीं से पूछते हैं क्या कुछ रिएक्शन है सर आपका, जैसा अनुमान लगा रहे थे ठीक वैसा ही परफॉर्म किया, पहले से कैसे पता था? नहीं, पता लोगों के रिएक्शन से मालूम होता था। लोगों ने ये चुनाव लोगों ने लड़ा। लोगों को किसी को भी जाकर पूछो, 10 में से 7 लोग कहते थे, 8 लोग कहते थे हम मोदी को वोट देंगे। पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, बाकी गांव में हो, शहर में हो, किसी भी समाज से हो, जात नहीं, ना जात, ना आर्थिक स्तर, ना कुछ भी नहीं फर्क। लोगों को चाहिए था एक ईमानदार नेतृत्व जो देश को सुरक्षित करेगा और देश की तरक्की सुनिश्चित करेगा, और ये सबका प्रतीक बन गए नरेंद्र मोदी जी। इसलिए लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास जताकर ये जनादेश दिया है। राजस्थान में प्रभारी के तौर पे आपने काम किया, बेहतरीन काम माना जाए आपका, बेहतरीन परफॉर्मेंस, आगे क्या लगता है कि कैसा और आप उम्मीद कर रहे हैं, क्या इससे बेटर हो सकता था या जितना आपने सोचा वो आपने कर दिखाया? नहीं नहीं, 25 के 26 सीटें तो नहीं आ सकती ना, तो 25 के 25 ही सीटें आएंगी। लेकिन जिस तरह से मार्जिन मिला, जिस तरह से लोगों ने प्यार दिया, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जो हमारे हर बूथ पे हमारे 3 वोट कम मिले थे विधानसभा में, हमने इस बार ठान ली कि वो सारा बैकलॉग दूर करेंगे। और अमित शाह जी के नेतृत्व में हर बूथ को हमने किले में तब्दील किया, और इसलिए कार्यकर्ताओं का ये विजय था, ये इस बार हुआ है। अशोक गहलोत ने पूरा कैंपेन संभाला, बेटे के लिए बढ़ चढ़ के कैंपेन किया, और ये कहा जा रहा था कि जितने बड़े वो रणनीतिकार हैं उनके आगे जो है रणनीति फेल होती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा है, ऐसे जो लोगों के लिए मैं कभी कॉमेंट नहीं करता हूँ, लेकिन सारे गणित, पूरा देश बदल रहा है, लोग बदल गए हैं और लोग अपने सोच के आधार पर मतदान करते हैं, ये इससे साबित हो गया। एक अंतिम सवाल मेरा सर, कि बजट को लेके आप लोगों ने कल ही ऐलान कर दिया था, सारी चीज़ें पहले से तय थी ऐसा माना जा रहा है, क्या आगे क्या प्रोसेस रहेगा सरकार गठन को लेके? वो तो हमारे संसदीय कार्य मंत्री बताएंगे, लेकिन अभी मैं केवल चुनाव पर चर्चा करूँगा। तो बहुत ही कॉन्फिडेंट है प्रकाश जावड़ेकर, जैसा कि एक्सपेक्ट किया था उतना ही बेहतरीन परफॉर्मेंस, और कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा पीछे छूट गई। कैमरामैन अरुण कपूर के साथ प्रीत किरण सिंह, A1 TV, दिल्ली। इसमें कोई शक नहीं, प्रकाश जावड़ेकर जी ने जो जिस तरीके से यहाँ पे प्रभारी के तौर पे काम किया उसकी ये जीत है, उनको इस बात की हम शुभकामनाएं और बधाई भी देते हैं।